एक ऐसे समय पर अगर कोई स्तुति, अगर कोई प्रार्थना शून्य मात्र भी अगर कहीं किसी मानव मन में असर करती है, तो ये सचमुच में हमारी बड़ी उपलब्धि होगी कि जिसको तीन युगों से गाया जा रहा है या पढ़ा जा रहा है या सुना जा रहा है, जिसका श्रवण हो रहा है। आपने बताया कि आप उसके उसके लय को अपने साथ साथ उसके साथ साथ गुनगुना लेते थे, लेकिन आप उसे मूलतः पढ़ नहीं पाते थे, लेकिन आज आप उसे पढ़ भी पाएंगे और आत्मसात भी कर पाएंगे। तो शायद कहीं ना कहीं ये हम लोगों को, हमसे उस देवादिदेव महादेव ने ये कार्य करा लिया है, और आज के दिन उन्हीं के दिन ये सामने आया है। तो ये हमारा भी सौभाग्य कि हम समय पर ये काम, चाहे सूक्ष्म रूप में ही सही, अंश रूप में ही सही, कर पाए। आशुतोष जी, एक और अंतिम सवाल के लिए मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, आप हमेशा खुलकर अपने विचार रखते हैं, खुलकर अपने भावों को जिस तरह से जाहिर करते हैं, हमेशा आपके विचारों में एक एक स्पष्टता रहती है, सरलता रहती है। चुनावी ये मौसम है, जब देश में चुनाव भी हो रहे हैं, अब दो चरणों के चुनाव बाकी हैं उत्तर प्रदेश में भी, और ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि धर्म को लेकर भी, चाहे दल कोई भी हो, लेकिन धर्म भी चुनावी बयानों में, रैलियों में दिखाई देता है। आप जब दूर से इस परिस्थिति को देखते हैं, आपका लेखक हृदय, या मैं कह लूं चिंतक हृदय, उस पर क्या सोचता है? देखिए, मैंने तो एक पूरी किताब ही इसके ऊपर लिखी हुई है, जिसका नाम है राम राज्य। क्योंकि विश्व में इतने सारे युगों के बाद कई सारी शासन व्यवस्थाएं आई, लेकिन जब भी कभी हम एक सुशासन को या एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हैं, तो राम राज्य हमारे पहले पायदान पर होता है। तो राम राज्य पहले पायदान पर क्यों था? तो मेरा यही मानना है कि पूरी की पूरी किताब मैंने उस पर लिखी है कि क्या कारण है। तो विचार कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जितने परमात्मा श्री राम के चरण हमारे लिए आवश्यक हैं, उतने ही उनके आचरण भी हमारे लिए आवश्यक हैं। तो राम का अर्थ ही होता है रोम रोम में स्फुरित होने वाली चेतना। तो इस नाते, तो इस संसार में जितनी भी देहें हैं, जिसमें भी आप प्राण देख रहे हैं, वो सारी की सारी अयोध्या हैं, क्योंकि राम का जन्म ही अयोध्या में अगर हुआ है, और अयोध्या का मतलब ही होता है जहां पर युद्ध नहीं होता। तो जो अयुद्ध की स्थिति, या अगर युद्ध हो तो जीता नहीं जा सकता। तो जब अयुद्ध की स्थितियां हो जाती हैं, और धर्म का जो संबंध होता है, धर्म का संबंध विवाद के लिए नहीं होता, धर्म का हमेशा से उपयोगिता संवाद की रही है। तो जब इस चीज को अगर हम लेकिन इसमें एक चीज और हमें महत्वपूर्ण लगती है कि चूंकि हर आदमी का अपना सत्य होता है, और हर आदमी का अपना एक पक्ष होता है, तो आपको, हमको, बहुत लोकतंत्र में हमको और आपको ये सोचना चाहिए कि विरोध और वैमनस्य दो अलग अलग चीजें हैं। तो विरोध जो है वो जागृत चित्त का प्रमाण होता है, और वैमनस्य जो होता है वो व्यक्ति आधारित होता है, वो विचार आधारित नहीं होता है, वो व्यक्तिगत, वो कहीं ना कहीं सुप्त चित्त का प्रमाण होता है। तो विरोध और वैमनस्य के बीच का अंतर हम और आप करना अगर सीख जाएं, तो मेरा यही मानना है कि हम आवश्यक नहीं कि एक दूसरे के साथ हम सहमत हों, हम शिष्टता पूर्वक भी असहमत हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बात विचारधारा और मानसिकता के द्वंद की नहीं है, ये विचारधारा के नाम पर लड़ा जाने वाला मानसिकता का युद्ध है। क्योंकि दो समान मानसिकता के लोग आवश्यक हो सकता है कि वो अलग अलग विचारधारा के हों, और दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग हो सकता है कि एक मानसिकता के। तो इन तमाम चीजों को कहीं ना कहीं, इसलिए धर्म के बारे में ये कहा गया है कि धर्म जो है वो निश्चय देने का काम करता है, और विज्ञान जो है वो निष्कर्ष देने का काम करता है। वाह। तो निश्चय और निष्कर्ष के बीच का जो पुल है, क्योंकि बिना निश्चय के अगर हमें निष्कर्ष मिलता है, तो उस निष्कर्ष के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा होता है, और अगर निष्कर्ष के पीछे निश्चय ना हो, तो उस निश्चय के ऊपर भी, अगर किसी निश्चय का निष्कर्ष ना मिले, तो उस निश्चय के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है।
मुझे पूरी तो उम्मीद है मेरे आशुतोष लिए जी, धर्म आज जो है जिस तरह वो से संवाद का विषय है, मैं इसे कभी भी विवाद का विषय नहीं वाह मानता। मैं ये मान सकता हूं कि दो लोग बहुत आदर पूर्वक, शिष्टता पूर्वक एक दूसरे के विचारों से असहमत हो सकते हैं, तो हमें यह हो मानना सकते चाहिए हैं। कि हमारे पास परमात्मा की परम कृपा है कि हम एक लोकतांत्रिक देश के निवासी हैं। हमें एक दूसरे के साथ मत साझा करने की स्वतंत्रता है। तो हम त्रिकाल सत्य थोड़ी बोल रहे हैं, आप आवश्यक हो, हमारा उद्देश्य आपको सहमत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य यह है कि जो हम बोल रहे हैं क्या उस बात से हम स्वयं सहमत हैं? यदि हम सहमत हैं तो आपकी असहमति मुझे कभी विचलित नहीं करेगी, वो कभी भी हमारे मैं खबरों की दुनिया में रहने के नाते ये कह सकती हूँ कि जिस तरह की जंग जमीन पर दिखाई देती है मुद्दों को लेकर, रैलियों, चुनावी बयानों को लेकर, आज आपकी जो ये पूरी बात है ये कानों को बहुत सुख देती है, मन को सुख देती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने लोगों ने आज इस बात को सुना होगा, ये एक ऐसा विमर्श है जिस पर थोड़ा और समय देकर सोचने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि ज़रूर इससे जो चाहे वोटर्स कह लें या जो चुनावी राजनीति में बड़ी दिलचस्पी रहते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगा।